हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से अपने नेट की स्पीड को बढ़ा सकते हो, अपने नेट की स्पीड को कैसे आप फास्ट कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके फ़ोन में सिग्नल होते हैं, वो फुल आते हैं, लेकिन उनका नेट जो है काफ़ी स्लो चलता है। उनकी समझ में यही नहीं आ पाता कि जब सिग्नल पूरे आ रहे हैं तो नेट स्लो क्यों चल रहा है। तो उसकी एक सेटिंग होती है जो कि आपको अपने फ़ोन से करनी होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस सेटिंग को जानते हैं, तो आज मैं आपको सेटिंग बताऊँगा और करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि सिर्फ बताने से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको अपने फ़ोन में मोबाइल स्क्रीन पर लाइव दिखाऊंगा, तो आप उसे वीडियो में देख देख कर अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो और अपने फ़ोन में नेट की स्पीड को काफ़ी तेज़ कर सकते हो। सभी लोग आजकल नेट चलाते हैं, तो ये वीडियो हर इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा पहले से भी। तो ऐसे मैं आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसको करने के बाद चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ करो या वीडियो देखो, आपका नेट रॉकेट से भी तेज़ फास्ट चलेगा। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है दोस्तों, और ऐसे में हर इंसान अपने मोबाइल से ही अपना टाइम पास कर रहा है। एक नेट ही है जिससे वो अपना दिन भर काट लेता है। अगर ऐसे में नेट ही नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा। चलिए दोस्तों, चलता हूँ मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो आपको दिखाता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर सेटिंग करके दिखाऊँ तो आप एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि आपने एक भी स्टेप मिस किया तो शायद आपके फ़ोन में वो सेटिंग वर्क नहीं करेगी ठीक से। तो जैसा मैं करूं आपको सेम वैसा ही करना है, इसलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जा रहा हूं। तो आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट कर करके देखना। काफ़ी लोग हैं जो सेटिंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये सेटिंग करने के बाद भी आपको एक सेटिंग और करनी है जो मैं आपको इस सेटिंग के बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये जो सेटिंग है इससे आपका नेट 80% तक फास्ट चलेगा। लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको भी आप इसके साथ कर दोगे तो आपका नेट 101% फास्ट चलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो पहले मैं इस सेटिंग को बताऊंगा आपको मोबाइल स्क्रीन पर, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में आज तक शायद मैं जानता हूं किसी को भी नहीं पता होगा। तो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा। पहले स्टेप शुरू करते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। अब आपको अपनी सिम सेटिंग में जाना है, जिस स्लॉट में भी आपकी जियो सिम लगी हो आपको वहाँ पे जाना है। अब आपको सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा एक्सेस पॉइंट नेम का, आपको इसके अंदर जाना है। अब यहाँ पे मेरी डिफॉल्ट सेटिंग लगी हुई है जियो 4G, जो कि हम सिम लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आपको यहाँ पे एक न्यू APN बनाना है, तो आपको न्यू APN पर टाइप करना है। अब इस जगह पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको इनके अंदर सेटिंग करनी है। अब इनमें क्या क्या सेटिंग करनी है तो मैं आपको एक एक करके करके दिखाता हूँ। आपको सेम वैसे ही करनी है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी लेटर या एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपकी सेटिंग गलत हो जाएगी, तो फिर शायद आपके नेटवर्क में स्पीड ना आ पाए। तो आप बिल्कुल बारीकी से देखना और समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट कर करके देखना, और जैसा मैं कर रहा हूँ सेम आपको उसी तरीके से करना है, तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ऑप्शन आ नेम का, आपको इसके अंदर टाइप करना है। जैसा मैं कर रहा हूँ, जो भी लेटर कैपिटल स्मॉल सेम आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखते जाइए HEX आपको यहाँ पर टाइप करना है, हेक्स अल्फा इसको ओके कर देना है। अब आपको APN पे जाना है, यहाँ टाइप करना है आपको HEX 98। अब आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन आ रहा है, इसको छोड़ देना है। फिर उसको जो पोर्ट का आ रहा है आपको उसको भी छोड़ देना है। अब आ रहा है यूजर नेम का, आपको इसमें 4G सपोर्ट टाइप करना है दोस्तों। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ 4G,
सपोर्ट। तो आप देखते जाइए दोस्तों कि मैंने इसमें कितने कैपिटल किए हुए हैं और कितने स्मॉल किए हुए हैं। सेम आपको सेम वैसा ही करना है। इसके नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपको उसे छोड़ देना है। उसके नीचे आया सर्वर का, आपको इसमें लिखना है www .google.com www.google.com। उसके नीचे MCSC का ऑप्शन आ रहा, छोड़ देना है। इसके नीचे आ रहा है MCC का, आपको इसमें 405 करना है। अगर आपके यहाँ पहले से है तो आपको इसके जैसे ही रहने देना है। इसके बाद आता है दोस्तों MNC का ऑप्शन, इसमें 870 करना है। अगर आपके में कुछ और है तो आप 870 कर लेना, अगर डिफ़ॉल्ट चाहिए तो रहने देना। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑथोराइजेशन टाइप नाम का एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको टाइप करना है। इसमें आपको टाइप कुछ नहीं करना है, जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है PAP और CHAP, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको APN टाइप आएगा, जिसको छोड़ देना है। अब आएगा APN प्रोटोकॉल, इसको आपको सिलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ पर कहीं कहीं पर IPv4 का सिग्नल आते हैं और कहीं आते हैं IPv6 के, तो आपको ये पता नहीं होता कि आपकी जो सिम के नेटवर्क हैं वो 4 वाले में आ रहे हैं 6 वाले में आ रहे हैं। तो इसलिए आपको दोनों पे सिलेक्ट कर लेना, तो जोन से भी आएंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो सेम आपको इसमें भी डबल वाले पे क्लिक कर देना है नीचे वाले पे। अब आएगा यहाँ पे दोस्तों BLR का ऑप्शन। काफ़ी लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो अपने फ़ोन में जो 4G 3G और जो सेटिंग होती हैं वहाँ पे तो वो 4G कर लेते हैं, लेकिन जो मेन सेटिंग होती है वो जी होती है, तो आपको इसमें LTE कर देना है। क्योंकि आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे तो सबसे पहले आपके फ़ोन में 4G नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, चाहे बिल्कुल कम आ रहे हों लेकिन सबसे पहले 4G आएंगे और उसके बाद जो भी नेटवर्क होते हैं वो उसके बाद में आएंगे, तो आपको यहाँ पे LTE टाइप कर देना है। तो बस दोस्तों इतना ही करने के बाद में ऊपर आपको डन कर देना है, और डन करने के बाद में जो आपने जो APN सेटिंग बनाई है आपको ये इस पर सिलेक्ट कर देना है और डन कर देना है। और ये करने के बाद में आपको एक बार फ़ोन अपना स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करके ऑन करना है, जिससे क्या होगा आपने सेटिंग बनाई है वो ठीक तरीके से वर्क करने लगेगी और आपके फ़ोन में नेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी आपके फ़ोन में नेट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है तो मैं अभी आपको एक सेटिंग और बताता हूँ जो आपको ये करने के बाद तब वो अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी को कर दो, आपको इसको करने के बाद करनी है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको ये सेटिंग बताई है सेम आपको उसी तरीके से करनी है, और इसको करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क की जो नेट की स्पीड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे फर्क तो पड़ जाएगा लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से नहीं पड़ रहा है, तो आपको एक काम और करना है। एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो भी सेटिंग मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ जियो सिम के लिए हैं, बाकी कोई और सिम के लिए नहीं है, कि आइडिया हो या एयरटेल हो उसके लिए नहीं है, सिर्फ जियो सिम के लिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हो, क्योंकि कोई भी बंदा हो वो हर चीज़ यूज़ नहीं करता है, लेकिन हर इंसान का एक ना एक पसंद होती है कि उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जैसे कि मुझे YouTube चलाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसे ही आपको जो चीज़ पसंद है जो चलाना अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, जियो के कस्टमर केयर पर कॉल करना है। जियो सर्विस में एक ऐसा कस्टमर सर्विस होती है से कंपनियों से अलग है, तो आपको जियो के कस्टमर केयर में कॉल करना है, तो वहाँ पर आपको ये बताना है जो भी एप्लीकेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो आप उसी के बारे में बोल दो कि सर मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर नेट की स्पीड काफ़ी तेज़ चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर नेटवर्क की जब स्पीड बहुत स्लो होती है नेट की स्पीड, तो वो वहाँ से सेटिंग तो कर देते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हो, तो वो सेम तरीके से सेटिंग करते हैं एप्लीकेशन के लिए जो कि ठीक से वर्क नहीं कर पाते। तो आपको उन्हें ये बताना है, जैसे मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो अगर मैं कॉल करूँगा तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ, तो ऐसे ही आपको बोलना है कि सर मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो आप मेरे फ़ोन में ऐसी सेटिंग कर दो कि मेरा यूट्यूब ठीक से चलने लगे, क्योंकि आप और एप्लीकेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपकी मेन प्रायोरिटी है यूट्यूब। तो आप वहाँ पर ये बोलोगे कि सर मुझे अपनी यूट्यूब की स्पीड में
इंक्रीमेंट चाहिए जिससे मेरा यूट्यूब फास्ट चलने लगे। तो वो जो सर्विस सेंटर वाले हैं, कस्टमर केयर वाले हैं, वो आपके नेट की स्पीड पे सबसे ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, वो यूट्यूब पे बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे फ़ोन में जो भी स्पीड आ रही होगी, चाहे वो उसमें कुछ भी चले ना चले, लेकिन यूट्यूब सबसे ज़्यादा फास्ट चलेगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी आपको सेटिंग बताई है, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने कस्टमर केयर में कॉल करके उसी की ऊपर नेट की स्पीड बढ़वानी है जो आप सबसे ज़्यादा चलाते हैं, उससे आपका नेट काफ़ी फास्ट चलेगा। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको वीडियो देखना ज़्यादा पसंद होता है, और जब वीडियो रुक रुक के चलती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो आपको जो मेन प्रायोरिटी है आपको कस्टमर केयर में वही बताना है, तो आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के काम की आने वाली है। क्योंकि आजकल नेट की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को है, हर इंसान को नेट की स्पीड काफ़ी तेज़ चाहिए। हल्की भी नेट की स्पीड कम हो जाती है तो हर इंसान टेंशन में आ जाता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करने में मेरी हेल्प करें। तो फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।